अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चौथा जो रोज़ा वो इफ्तार होएगा। अभी तो बहुत टाइम है सर, तो अभी जो बहुत है सुबह सुबह शक्ल से देखो सुबह सुबह नमाज पढ़ने से तो चल चुका है। अब जो है बिजी लगने लगा तुम? हाँ बिजी लगने लगा, तुम्हें तो नहीं लग रहा है माशाल्लाह से, अभी तो नहीं लग रहा है पता नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक, चौथा चौथा रोज़ा मुबारक। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो आज जो है कोई नात नहीं होने वाली है। जिस सेगमेंट पे हम आए हैं उसका नाम है नाराजी महफिल, बट इसमें एक बहुत ही मशहूर कलाम होने वाला है, तो आपने जरूर कनेक्टेड रहना है, ठीक है? जो आपको बहुत बहुत पसंद है और सबको बहुत ज्यादा कब जुट चुके याद है। रहमत के लिए पहले खड़े हो खुदा, बनके एक गया रहमत बंदा मर कर बस मेरी जो रमजान के लिए खुशी है, तो बस आप लोगों के लिए तो बस कैसे चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें चैनल को और नीचे नोटिफिकेशन के बेल को जरूर प्रेस करें। जी तो हम आ चुके
है अभी वो स्टार्ट होने वाला, उसका नाम है ताल में क्या है, और ये हमारा सेगमेंट है। अब देखते हैं क्या है और क्या नहीं है, और बस जाते हैं। और भूख भूख बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है। डांस की क्योंकि इतनी नहीं हो रही क्योंकि माशाल्लाह से अच्छा मौसम है, लेकिन भूख की बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग कमेंट में बताएं किसको क्या लग रहा है, भूख लग रही है या प्यास लग रही है, जिसको क्या क्या लगता है उसे। चलो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। चुके हैं किचन में क्योंकि अफ्तारी का बस वक्त करीब करीब है, और आपको पता है कि अफ्तारी में क्या है सेगमेंट जो है वो चल रहा है, और इसका जो सेगमेंट है उसमें हम अभी क्या करने वाले, अभी हम करने वाले हैं आपको पता है रोज़ की तरह पकौड़े बनाए। मैंने एक्चुअली काट के रख दिए थे मम्मा ने, तो ये थोड़े से काले हो गए, तो चले कोई बात नहीं, अब हम इसको इसके अंदर डिप करेंगे। ठीक है, ये बने हैं आलू के पकौड़े, आगे के पकौड़े बड़े जमी हैं, और अभी कुछ और डिश बनेगी तो वो भी आपके साथ बता। जल्दी से पहले ये पकौड़े बना लेते हैं सारे, उसके बाद आपसे बात करती हूँ क्योंकि आज हम एक नई डिश बनाने वाले हैं और काले छोले आज बनने वाले हैं। तो चलो जल्दी से पहले पकौड़े बनाते हैं, उसके बाद आपसे डिश कर। वैसे माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, दस्तरखान सज चुका है और बस इंतजार हो रहा है कि कब रोज़ा इफ्तार हो। ऐसे मुझना शुरू हो जाती है फिर प्यास, अब क्या कर सकते, खराब होना शुरू हो जाती है। चलो दुआ मांगो, और जो है इफ्तारी की जो दुआ है वो कम याद रखो, क्योंकि जैसे अजान होनी सबसे पहले हमने यही बोलना है। ठीक है, तो बस पहले लग रहा है, तो अभी जो है इफ्तारी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये देख सकते हैं मैं आपको दिखाना भूल गई थी, छोले ओके बहुत मज़े से खाए जा रहे हैं, खट्टे और खट्टे छोले हैं ये भी बने थे इफ्तारी में, तो बस ये ये दिखा देते हैं हम आपको। चलें, खुल भी चुके, बंद कर दिया आपने। तो बस दैट्स इट, मेरी क्लास में यही खत्म होती है, और होप्स हो कि आपको अच्छी लगी हो, और ये तो अभी तक खाने में लग गई है, मंडे में लगी हुई है, तो बस दैट्स इट, आपको अच्छी लगी है मेरी ट्रांसमिशन, और यही एंड होती है। और चौथा रोज़ा भी इफ्तार हो चुका है, अब हम पाँचवें रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह से चौथा रोज़ा भी इफ्तार कर लिया था, और उसके बाद हमारी तफरियाँ जो हैं शुरू हो गई थी, बहनों में हंस रहे थे, कोई बातें थी काफ़ी ट्रांसमिशन की बातें थी। तो दैट्स इट, अभी गाइस के आपको अच्छा लगा तो आपसे मिलते हैं शहरी में पाँचवीं शहरी में, तो आपने अपने रखने ख्याल और लाइक शेयर कमेंट कर देना है। सो अल्लाह हाफिज़।